अगर कोई बच्चा पैदा होने के 6 महीने के भीतर बैठने और घुटनों के बल चलने लगे तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ज़ायला नाम की इस बच्ची ने 6 महीने की उम्र में ही वाटर स्कीइंग करके एक रिकॉर्ड बना दिया। जिस उम्र में बच्चे घुटनों के बल चलना सीखते हैं, उस उम्र में ज़ायला फर्राटे से वाटर स्कीइंग कर रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा की ज़ायला बिना सहारे के चल नहीं सकती, लेकिन पानी पर स्कीइंग करने में उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। ज़ायला की उम्र है सिर्फ 6 महीना। इस उम्र में बच्चे दूध की बोतल और खिलौनों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, लेकिन ज़ायला ने मात्र 6 महीने 27 दिन की उम्र में ही 1 दशक पुराना यंगेस्ट वाटर स्कीयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फ्लोरिडा के लेक सिल्वर में ज़ायला ने 686 फीट तक वाटर स्कीइंग की। ज़ायला के लिए खास बेबी स्की बनाया गया था। सेफ्टी के लिए ज़ायला ने पिंक कलर का इन्फ्लेटेबल वेस्ट भी पहना था। ज़ायला की लंबाई सिर्फ 2.5 फीट है और उनका वजन 9 किलो के करीब है। रिकॉर्ड बनाने के लिए बोट की रफ्तार सिर्फ 11 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। सबसे कम उम्र में वाटर स्कीइंग का पुराना रिकॉर्ड प्रैक्स बोनिफे का था, जिसने 6 महीने 29 दिन की उम्र में वाटर स्कीइंग की थी। लेकिन 21 मई को ज़ायला ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब आप ये सोचेंगे कि ज़ायला इतनी कम उम्र में स्कीइंग कैसे कर सकती है। शायद इसकी वजह है ज़ायला के माता पिता। ज़ायला के पिता कीथ बिना स्की के यानी बेयरफुट वाटर स्कीइंग के चैंपियन हैं, जबकि उनकी माँ लॉरेन लेन चैंपियन शो स्कीर हैं। ज़ायला के मम्मी पापा के मुताबिक बचपन से उसे पानी से खेलना बेहद पसंद है। हालांकि रिकॉर्ड बनाने के बाद कई लोगों ने ये कहकर इसका विरोध किया कि इसमें बच्ची को खतरा हो सकता था, लेकिन इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखा गया। स्पेशल स्की बनाई गई। सबसे पहले ज़ायला ने इस पर प्रैक्टिस की और रिकॉर्ड बनाने के वक्त कीथ लगातार उनके साथ एक सेफ्टी बोट में कीथ लगातार साथ साथ चल रहे थे।